तो बैग पैक हो गए। बिल्कुल पैक की पैकिंग पूरी है। ये किस किस के आपके हैं दोनों के? ये जेएम के कपड़े हैं, सारे अच्छा, कपड़े इसी में आए हैं एक बैग और पूरा? मैं बेचारी सी इसमें ये छोटे से बैग में समाई हूँ। बस ये बस एक बैग आपका छोटा था, तो इतना क्या लेके जा रहे हो 2-3 दिन के लिए? ही नीड्स मोर वैरायटी फॉर हिज फोटो शूट्स। चलो ठीक है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी एक्सटेंडेड वीकेंड है, दशहरे की वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ है, तो सोचा फैमिली के साथ उत्तराखंड साइड पे घुमा जाए। हिमाचल बहुत घूम लिए, अब जाएंगे हम उत्तराखंड की साइड पे। अभी कहाँ जाएंगे देखते हैं, भीमताल, रानीखेत या जहाँ तक गाड़ी जाती है निकलते हैं। अभी टाइम हुआ है 11:30 का रात का, और यहाँ से अभी हम निकलने लगे। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फुल करा रहे हैं, रेट बहुत महंगे हो चुके पेट्रोल के। पहले तो 2800 to 3200 तक मेरा टैंक फुल हो जाया करता था गाड़ी का, अभी देखते हैं कितने का बढ़ता है। एक्सपेक्टेड 3800 तक तो मेरे को लग रहा है, देखते हैं अभी कितना बढ़ता है। तो 3900 में टैंक फुल हुआ है, 37 लीटर था है। टोल बड़ा हापुड़ का उत्तराखंड जाते हुए, और इसका नाम है छजरसी फीस प्लाजा। देखते हैं अभी कितना टोल लगेगा यहाँ पे। तो अभी हम रुके हैं शिवा ढाबा मामा यादव के, और ये यहाँ का फेमस है। यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबों का नाम शिवा या ढाबा ही है। अगर पूरे आगे देखोगे आसपास सारे ढाबे शिवा ढाबा हैं, जो अभी हमने एक दो देखे भी थे रास्ते में। तो फिलहाल काफ़ी रश है यहाँ पे, पीछे गाड़ियाँ बहुत लगी हैं और पीछे टूरिस्ट बसेस भी लगी हैं, और ये पीक टाइम है 1:30 बजे के, यहाँ इसी टाइम पर बसेस रुकती हैं। तो हम भी यहीं रुके हैं, देखते हैं यहीं पर करेंगे डिनर, जो भी खाना है। यहीं खाना है, और बहुत क्राउड है यहाँ पे, बिना मास्क के घूम रहे हैं लोग। आ जाओ, दो मसाला डोसा, दो आलू प्याज का पराठा, इधर चाय पिए के बाद। आप क्या खाओ? डोसा, कुल्फी। आपने क्या खाना है? पराठा, डोसा। अभी तो ऑर्डर भी जल्दी नहीं आएगा, पहले प्लेट बड़ी मुश्किल से तो टेबल मिल। खाना तो हो गया, खाना अच्छा था। आलू पराठा ट्राई किया, सांभर डोसा ट्राई किया, और अब हम ट्राई करेंगे चाय। थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, तो चाय तो ज़रूर पीनी बनती है, वो भी कुल्हड़ में। तो भैया चाय ले आए हैं कुल्हड़ की। तो खाना अच्छा था है ना? चाय तो कमाल थी, एकदम A1। ऑसम चाय, मुझे भी बहुत बढ़िया लगी। इसमें जो इलायची का डाला हुआ था, और रेट का कोई समझ नहीं आया। 17 रुपीज़ की एक चाय रखी थी, कुल्हड़ में डाल के दी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, स्वाद थी काफ़ी। खाना भी ओवरऑल अच्छा था, अच्छा रहा यहाँ पे स्टॉप पे। अगर इतना क्राउड है तो बनता है, क्योंकि टेस्ट अच्छा है यहाँ का, सर्विस अच्छी है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। क्राउड था बट सर्विस अच्छी है। और ये जो पीछे शॉप बनी है, पता नहीं क्यों जब भी मैं रुकता हूँ ना, मेरा बड़ा मन करता है कि जाके देखूँ, कुछ टॉयज़ हों या कुछ भी, बस देखने का कि कुछ नहीं भी लेना, तब भी देखते हैं क्या क्या है। पेन ले रहे हो? अच्छा लग रहा है। ग्लिटर तो है इसमें? ग्लिटर तो है इसमें? यूनिकॉर्न पेन। हाँ यूनिकॉर्न पेन देख लो। मुझे मुझे किसवीं बार मिली, जो हम छोटे बच्चे होते थे, छोटे खाते थे। सही है, किसवीं बार लेके आए, रास्ते में खाएंगे। ठीक है, तू भी खाएगा?
होगा 4:30 का, और रामपुर के आसपास है। रामपुर के आसपास गाड़ी चल जाएगी अभी पूरा कहाँ तक मुक्तेश्वर जाएंगे। अभी तो फिलहाल देखते हैं गाड़ी चल रही है ना, मतलब क्योंकि हम जाग रहे हैं, नींद आ रही है, अगर थोड़ा लगेगा नींद का झोंका आ रहा है तो फिर हम चाय पीने रुकेंगे कहीं ना कहीं। फिलहाल पीछे की सवारियां सो रही हैं, अभी भी यहाँ से दिख रहा है अभी तो 91 किलोमीटर भीमताल है मुक्तेश्वर, तो दिल्ली से अराउंड 330 किलोमीटर दिखा रहा था। देखते हैं अभी भी अप्रॉक्सीमेट सुबह के 11 तो बजने वाले हैं वहाँ पहुँचने में, अगर शॉप पे लेंगे तो 11:30-12 बज जाएंगे। बॉर्डर जल्दी पार कर लिया ताकि कोई रोके ना, अब चेकिंग शुरू हो जाएगी। टाइम से भीमताल पहुंच गए हैं, 6:41 पे एग्जैक्टली दिखा रहा है कि वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हुआ है 6:15 का, और टाइम से हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, हमारे पास रैपिड टेस्ट सबके नहीं थे, 2 थे बस, तो इसलिए हमने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही बॉर्डर क्रॉस कर लिया, कहीं पर रुके नहीं थे। अभी चाय पीने के लिए रुकेंगे जैसे ही भीमताल पहुँचते हैं, भीमताल के साइड पर खड़े होके लेक साइड पर चाय पियेंगे फिर आगे निकलेंगे। तो पहाड़ों पे पहुँचो तो एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है, अभी तक हम डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुँचे हैं, अभी 6:30 का टाइम हुआ है और यहाँ पे मौसम ठंडा सा है, ठंडक है यहाँ पे, तो अभी रात से बिल्कुल सोए नहीं है, गाड़ी बाइक चला रहा था मैं, साथ में बैठा था, और अभी देखते हैं डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है डेस्टिनेशन पे, कौन सी जगह पहुँचेंगे। मुक्तेश्वर जाएंगे। मुक्तेश्वर यहाँ से 60 किलोमीटर हो रहा है। कितनी देर लगेगी फिर? 2 घंटे। गाड़ी मैं चलाऊँ तो ही चलेगा? अरे मैं चला लूँ। चलो ठीक है, बड़े हैवी ड्राइवर है हम सब, तो ये पूरा मुक्तेश्वर जाने का प्रोग्राम है। बाकी देखते हैं जैसे जहाँ पे कोई अच्छा सा रिजॉर्ट या कोई भी होटल अच्छा मिलता है। एक्सटेंडेड वीकेंड है तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, बट देखते हैं, कोई बात नहीं, जहाँ राह ले जाए, जहाँ बंजिल होगी वहीं रुक जाएंगे। तो अभी कोई ढाबा आया नहीं है, फिलहाल हम यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए रुके हैं, तो फ़ोटोज़ हमने सोचा 1-2 क्लिक करें फिर आगे चलेंगे। लेक साइड पर ही सोच रहे चाय पियेंगे फिर आगे निकलेंगे मुक्तेश्वर की तरफ, और नज़ारे तो अल्टीमेट है, क्या ग्रीनरी है यहाँ की, उत्तराखंड की ग्रीनरी खैर देखते ही बनती है, हिमाचल से ज़्यादा अच्छे मेरे को उत्तराखंड के पहाड़ लगते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, हिमाचल में कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली 7:00 इन द मॉर्निंग वी आर एट भीमताल लेक, मेरे पीछे लेक दिख रही होगी आपको, कुछ लोग भी हैं जो डक्स को कुछ खाना डाल रहे हैं, और यहाँ पे अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, कुछ चाय पियेंगे, हल्का फुल्का स्नैक्स लेते हैं, ब्रेड बटर या कुछ भी जो भी खाना होगा, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। टारगेट है मुक्तेश्वर जाने का, तो 12 बजे तक, 12:30-12 तक अगर मुक्तेश्वर पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर चेक इन कर लेंगे टाइम से, तो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। अभी तक बिल्कुल भी सोए नहीं है, आँखें ऐसे चढ़ी हुई हैं, तो एक चाय का ब्रेक तो बनता है दोस्त। और ये देखो पीछे क्या व्यू आ रहा है, बहुत ही अल्टीमेट। यहाँ बैठ गया, चाय भी नहीं। यहाँ पे वैसे तो ये भी लगते हैं काफ़ी सारे, कढ़ी चावल, मैगी, चाय वाले, और पीछे भी कुछ शॉप्स हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। और क्या व्यू आ रहा है, सन की रिफ्लेक्शन पड़ रही है लेक के अंदर बहुत अच्छी सी, और वो सामने एक वॉकिंग है, वहाँ पे भी एक ऐसे खड़ा होने का बना रखा जैसे यहाँ पे नीचे लोग खड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलते हैं कुछ खाते हैं फटाफट से, चाय पीते हैं। ये दोनों भी सोए हुए हैं और हम दोनों बाहर निकल के अपना फोटो सेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ रामलीला का, टेंट लगे हुए हैं और सामने स्टेज बना हुआ है, शायद रामलीला होती होगी यहाँ पे रात को। मैगी आ रही है, यस 2 मैगी,
तो ब्रेड बटर तो हम ब्रेड बटर लाएं, ब्रेड बटर ले मेरी तो चाय कड़ी से, तो चाय और बना ले।